साहब अपनी खिदमत का दर्द लिए फिरते हैं। हमारे बीच मुखिया जनाब सलीम साहब एम पी रायगंज के, आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ मौलाना जावेद इकबाल साहब तकरीर के कायद के हैसियत से, तारीखी तौर पर हर मुशारिक के लोग किस तरह से इकट्ठा होकर के काम करना है, क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के ही मौजू है और उस मौजू में वो बाकायदा अपने तजुर्बे से ये बता रहे थे और इसमें मैं खलल डाल दिया क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना है और फिर कल दिल्ली पहुंचना है और इसलिए अभी बताती है 10:07 का। तो मैं चाह रहा था खामोशी से आऊं, सुनूं कुछ, अब चले जाऊं, कुछ बसीरत हासिल हो जाए, लेकिन ऐसा होता है कि जो एमपी मिनिस्टर को होते तो बोलते बोलना पड़ेगा, ऐसे ये महफिल मेरे लिए नहीं है यहाँ। और मैं कलाम और मौलाना आरी उनके उनसे आसान है और वो दीन की रोशनी में आज के दुनियावी जो मामला हमारे दरपेश है उसमें हमारा क्या रुख होगा, क्या नक्श कदम होगा वो आपको बताएंगे। यहाँ मैं कुछ बोलूँ तो मैं तो कुछ सियासत करता हूँ और मैं ये नहीं समझता, मैं एकदम मजहबी महफिल को सियासी रंग में ढाल देना या सियासी महफिल को मजहबी रंग में ढाल देना दोनों से मैं परहेज करता हूँ। और अभी पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होगा तो तमाम इदारे जैसे कहे जमीत उल अमीन हो, जमात इस्लामी हो, मरकज अहले हदीस हो, ये सब के जो रहनुमा हैं वो सब हम दिल्ली में मिलेंगे और फिर ये फैसला होगा। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात की है, फैसला ये हो कि घर बचाया जाए कैसे। और मैं ये इतना जो परेशानी का आलम है ये सियासी तौर पर एक सोचे समझे प्रोग्राम के मुताबिक किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि तारीख से हमारे तजुर्बा हासिल करते हैं और अभी अगर जोश से नहीं थोड़ा होश से काम लेते हैं और अपने अंदर वो इत्तेहाद पैदा करते हैं जिससे वो कुव्वत पैदा हो सकती है तो इस मुल्क में हमेशा ये है कि ऐसे चुनौती का हम सामना किए हैं और फिर उससे बच के निकले भी हैं। अल्लामा इकबाल के कार कहने से यूनान मिस्र रोमा सभी मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नाम होने चाहता और वो इसलिए है कि वो हमारी तहजीब में, हमारे तमद्दुन में, हमारे तारीख में, हमारे तालीम में, हमारे तजुर्बा में कुछ ऐसे कुछ ऐसे ताकत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माहौल ऐसे बिगाड़ जाता है और बहुत सोचे समझे तरीके से कि लोगों के जहन भी बिगड़ गया। तो हम जहन नहीं बिगड़े, मुल्क का रास्ता नहीं बिगड़े, ये कोशिश होना चाहिए। हम सब इतना जानते हैं कि जब हम और रास्ता अगर सही होता है, दुरुस्त होता है तो सीधा रास्ते का ये साइंस में ये है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो स्ट्रेट जो है वो शॉर्टेस्ट भी है, वो सही भी है और सियासी दाव तो हमें कभी कभी रास्ते से गुमराह करके बिखार देती है। और जब मजहब को लेकर सियासत किया जाता है या सियासत के जरिए मजहब को फैलाने की कोशिश की जाती है तो वो खतरनाक साबित होता है और इसलिए मैं समझता हूँ वो फिर उस रास्ते मुस्तकिम नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं आज हमारे मुल्क के रास्ते को इसी तरह से जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जैसे NRC देख रहे हैं, ये सब है, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 6 दिसंबर को हम पूरे मुल्क में ये संविधान दखल तक नहीं कर रहे हैं और वहां से हमें हटा करके उसको रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म और कौमियत का मतलब एक मजहब वो हिंदुत्व वाली ताकत के नाम पर
इस मुल्क को बिखरने की कोशिश की जाती है। वहां पे हम इतना समझते हैं कि हम अगर एक होते हैं तो हमारे अंदर एक ताकत पैदा होती है, और वो ताकत हमें बचाएगी, हमारे मुल्क को बचाएगी। और नाउमीद होने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा ये कोशिश करें कि हमारे अंदर ये एहसास कमतरी बने, और जब एहसास कमतरी होता है तो हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। और जब तक हमारा जबान, लिबास, इबादतगाह, हमारे इबादत का तरीका, हमारी अकीदा, हमारे खुराक, हमारे रिवायत, ये सब के ऊपर तक हमला करते हैं, तो फिर जैसा वो हमारे जैसा नहीं है, अलग जैसा है। और फिर अगर बंगला बोलता है तो उसको बांग्लादेश में भेज दो, उर्दू बोलता है तो पाकिस्तान में भेज दो। लेकिन आपको मालूम है मैं पार्लियामेंट में ये कहाँ हूँ कि किस किस को भेजोगे, कहाँ भेजोगे? हम इस मुल्क में अभी जमीतुल महल के तारीख की बात बता रहे थे, हमारे पूर्वजों ने, उनको ये मौका मिला था कि हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, हमने उसे नकारा है, उसे कॉन्शियस डिसीशन है, और हमने इस जमीन को सींचा है, हमने यही पैदा हुए हैं और दफन भी हम इसी मिट्टी में होंगे। इस मुल्क को बचाए रखना, सजाना और संवारने का काम भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपना खून को पसीना किया है, हम भी जरूरत पड़ेगा तो अपने खून और पसीना दोनों बहाने के लिए इंशाल्लाह कहते हुए आप सब से फिर एक बार इत्तेहाद जो ये नकल इत्तेहाद ये जो मौजूद है करके आपने जो मेहनत की है, आप इकट्ठा हुए हैं, तो उसको आप आगे बढ़ाएंगे और इत्तेहाद कायम करेंगे। आज इस वक्त वक्त हाजरा के ये सबसे बड़ा चुनौती है कि हम इत्तेहाद के लिए काम करें या माशाल्लाह। हजरत सामईन ये देखें माशाल्लाह हमारे बड़े अकाबिर जनाब MP सलीम साहब का इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कम वक्त में इतनी अच्छी बातें बताई कि हम सब लोग अगर उस पर अमल करें तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मुझे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का एक शेर याद आता है कि हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो हैं, यानी सनाखाने शहे हैदर कर्रार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा।